अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमएस ऑफिस 2016 और इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में फाइल बटन क्या होता है और इसमें आगे कौन से टैब होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियो आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले फाइल बटन पर क्लिक करें और इसमें सबसे पहले न्यू फाइल पर, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट करना हो, मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया। अब एक न्यू फाइल क्रिएट हो गई। इसके बाद अगर इस फाइल को अगर कोई और न्यू फाइल पड़ी होगी पीसी में तो उसे ओपन करने के लिए ओपन फाइल पर क्लिक करें और ब्राउज पर, इसके बाद वो लोकेशन सेलेक्ट करें जहाँ पर वो होगी। जैसे मेरी ये फाइल डॉक्यूमेंट में पड़ी है, इस पर क्लिक करना और इस पर ओपन कर देना। इसके बाद सेव, अगर मैंने फाइल को सेव करना है तो सेलेक्ट करना और इसके बाद वो लोकेशन सेलेक्ट करनी जहाँ पर सेव करनी है। जैसे मैं डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ, इसके बाद इसका नाम देना, जो भी नाम देना। इसके बाद सेव पर क्लिक कर देना। अगर इसके एक और कॉपी बनानी हो तो इसके लिए सेव एज पर क्लिक करना है, ब्राउज। इसके बाद लोकेशन सेलेक्ट करनी जहाँ पर सेव करनी चाहिए। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, इसके बाद इसका नाम देना, इसके बाद सेव पर क्लिक कर देना। अब इसके बाद प्रिंट की बारी आती है। किसी भी पेज को कंपोज करने के बाद इसे प्रिंट करने के लिए फाइल बटन पर क्लिक करना है। जैसे मैंने ये फाइल प्रिंट पर क्लिक कर दिया। इसके बाद प्रिंट पर क्लिक करने के बाद प्रिंट की विंडो ओपन हो जाएगी, जिस तरह ये होगी। इसमें राइट साइड की तरफ प्रिंट व्यू की विंडो है, ये वो विंडो है जिसमें आप देख सकते हैं आपका पेज प्रिंट होने के बाद कैसा आएगा। दूसरी तरफ ये प्रिंट की सेटिंग है, जिसमें दरअसल कमांड्स हैं। इसमें प्रिंटर सेलेक्ट करना है, जो भी जिस प्रिंटर पर आप कुछ चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं। इस सेटिंग में तीन कमांड होती है, प्रिंट ऑल, प्रिंट करंट पेज और कस्टम प्रिंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिंट ऑल पेज। इस पर क्लिक करने से ये तमाम पेज ओपन हो जाते हैं। करंट पेज पर क्लिक करने से करंट पेज प्रिंट होगा और कस्टम प्रिंट करने से और करंट पेज सेलेक्ट करने से इसमें अपनी मर्जी के पेज को प्रिंट करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास 20 पेज हैं, आप इनमें से चंद पेज को प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे आपके पास 20 पेज हैं और आप उनमें से कुछ पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे मैं एक फाइव और 15, सेलेक्ट करूँ तो ये मेरे सिर्फ 3 ही पेज प्रिंट होंगे। इसके बाद इस कमांड को सिलेक्ट करने से, प्रिंट ऑन साइड को सिलेक्ट करने से सिर्फ एक ही पेज की एक ही साइड प्रिंट होगी। अगर इस को सिलेक्ट करने, कमांड को सिलेक्ट करने से, क्वालिटी को सिलेक्ट करने से तमाम पेज को तरतीब से प्रिंट किया जाएगा। अगर इस कमांड को सिलेक्ट करने से आप पेज
को लंबाई के रूप में प्रिंट करवा सकते हैं। इससे पेज का साइज हम ज़्यादा होता है। जिस साइज़ को आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो साइज़ सिलेक्ट करें। ज़्यादातर तीन साइज ही सिलेक्ट होते हैं, ज़्यादातर तीन साइज सिलेक्ट होते हैं। एक ये और दूसरा जी और तीसरा ये एक लेटर वाला, दूसरा लीगल और चौथा ये फॉर्मल। इसके बाद मार्जिन, ज़्यादातर नॉर्मल मार्जिन इस्तेमाल करते हैं जिसमें चारों तरफ से मार्जिन एक एक इंच देते हैं। इसके बाद में कमांड एक्सपोर्ट, इसमें अगर कोई फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे पीडीएफ। इसके बाद यहाँ पर इसका नाम लिखें और लोकेशन सेलेक्ट करें, इसके बाद पब्लिश कर लें। आगे अगर आप इसकी फाइल के टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज फाइल पर क्लिक करें और वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें जिसको आप किसी और एम एस वर्ड में ओपन करना चाहते हैं। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, इसके बाद यहाँ से इसका नाम दें और लोकेशन सेलेक्ट करें जहाँ पर आप इसको सेव करना चाहते हैं। मैं जैसे डेस्कटॉप पर करना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करें ये वाला वर्ड 97 टू 2003 डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर सेव कर लें।